शनिवार को ब्लॉकेड गाजा स्ट्रिप से रॉकेटों की बारूद की बरसात हुई, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, एक AFP पत्रकार और चिकित्सकों ने कहा। इसराइली सेना ने देश के दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में सायरन की चेतावनी दी, जनता से बम शेल्टर के पास रहने की सलाह दी। पैलेस्टीनियन समूह हमास के सशस्त्र प्रकोष्ठ ने कहा कि वह इसके पीछे थे और दावा किया कि उनके आतंकवादी ने 5,000 से अधिक रॉकेट चलाए थे। हमने इसराइल के कब्जे ऑक्यूपेशन के सभी अपराधों का समापन करने का निर्णय लिया है। उनका वक्त बिना जवाबी होकर हंगामा करने का समय खत्म हो गया है, समूह ने कहा। हम ऑपरेशन अलेक्सा फ्लड की घोषणा करते हैं और हमने पहले 20 मिनट की पहली हमले में 5,000 से अधिक रॉकेट चलाए। इसराइल डिफेंस फोर्स घोषणा करता है कि वह मध्य और दक्षिण इसराइल में स्कूलों को रद्द कर रहा है, जिसका मतलब है कि लगभग 10 लाख बच्चे कल घर पर ही रहेंगे। गाजा स्ट्रिप में इसराइल और आतंकी समूहों के बीच चल रहे संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास आतंकी समूह द्वारा किए गए बड़े हमले पर अपना पहला सार्वजनिक बयान देते हैं। कहते हैं कि देश युद्ध की स्थिति में है। इसराइल के नागरिकों, हम युद्ध की स्थिति में हैं, उन्होंने कहा, और हम जीतेंगे। दुश्मन को उन्होंने पहले कभी नहीं जाना होगा। वह हम सेना के द्वारा दिए गए मुआवजे की तरह मूल्य चुकाएगा, उन्होंने कहा। इस मामले पर उनका पहला सार्वजनिक बयान है, लगभग 5 घंटों के समय में जब हमला शुरू हुआ था। कई मौतों और लगभग 300 घायलों की रिपोर्टें हैं जब आतंकी अपने कुछ दक्षिणी शहरों में प्रवेश करते हैं और देश के केंद्र और दक्षिण में हजारों रॉकेट चलाए जाते हैं।